नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर की प्रमुख खबरें। सीएम सुक्खू के दो बड़े बयान, खत्म किए पदों की जगह रखेंगे जेआईटी। बिजली बोर्ड का खर्च वह नहीं कर सकती सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुफ्त में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जयराम खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो बताएं कि कौन से पद सरकार खत्म कर रही है। सोलन के पाइन ग्रोव स्कूल में पत्रकार की बातचीत में सीएम ने कहा कि सरकार की योजना सालों से खाली पड़े पदों को समाप्त करने की नहीं है। विभागों से डाटा मांगा गया है, जो पद दो साल या इससे ज़्यादा समय से नहीं भरे गए हैं वो पद लगभग समाप्त हो चुके हैं। उनकी जगह पर अब जेआईटी के पदों को भरा जाएगा, क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना है, इसके लिए सरकार बजट बना रही है। शहद के साथ सिद्धू का नाश्ता करके लौटे मुख्यमंत्री सुक्खू, कवार गांव में छोड़ गए अनूठी छाप। कुवार गांव में रात बिताने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह शहद सिद्धू का नाश्ता करके हेलीपैड के लिए रवाना हुए। लौटते समय भी लोगों की समस्याओं को सुनते सुनते अधिकारियों को समाधान के निर्देश देते रहे। आज़ादी के बाद डोडरा कुवार के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री एक नई छाप छोड़कर लौटे हैं। आज मुख्यमंत्री और अन्य सभी अधिकारियों के लिए नाश्ते का प्रबंध महिला मंडल धंधरवाड़ी की ओर से किया गया था। महिलाओं ने शहद के साथ सिद्धू तैयार किए थे, साथ में ओगला के चक्कर सहित कई स्थानीय व्यंजन तैयार किए गए थे। मुख्यमंत्री के लिए तैयार किए व्यंजनों को महिलाओं ने अपने जीवन की एक यादगार बताया। इस दौरान हेलीपैड तक पहुँचते समय उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष बोले, मुख्यमंत्री सुक्खू ने रोते रोते काटे दो साल, मंडी सड़क हादसे पर जताया शोक। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित कार्यक्रम मन की बात का एपिसोड सोलन में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिभा का उल्लेख करते हुए बताया कि आज एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाई इंडियंस छाया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के प्रति जागरूक किया और देश की उपलब्धियों, ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक विषयों से भी अवगत कराया। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें खुशी है कि यह कार्यक्रम बिना रुके आगे बढ़ रहा है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज 115वें कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की बातें कही हैं, उससे निश्चित रूप से हर भारतवासी लाभान्वित होगा। कहा कि यह कार्यक्रम आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बन चुका है, जिसमें न केवल ज्ञानवर्धन होता है बल्कि समूचे देश से सीधा संवाद होता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री के ऐसे लोकप्रिय कार्यक्रम है और दूसरी ओर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो दो साल में कोई कार्यक्रम ही शुरू नहीं कर पाई है। हिमाचल में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी, FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक ऑन ड्यूटी महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का मामला सामने है। इतना ही नहीं, जब महिला कांस्टेबल पुलिस गुमटी में ड्यूटी दे रही थी, तब आरोपी ने जबरदस्ती गुमटी के अंदर भी घुसने की कोशिश की। वहीं महिला कांस्टेबल ने के ही कांस्टेबल पर ये आरोप लगाए हैं। मामला शिमला के ढली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आया है। पीड़ित महिला कांस्टेबल और आरोपी दोनों पुलिस की एक बटालियन में तैनात है। पीड़ित महिला कांस्टेबल की शिकायत पर ढली थाने में आरोपित पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। पीड़ित महिला कांस्टेबल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि बीते 25 अक्टूबर को जब वो क्वार्टर गार्ड ड्यूटी पर तैनात थी, तो राजीव नामक पुलिस कर्मचारी उसके पास आया और अश्लील व अभद्र शब्द कहे। केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 को प्रदर्शन। C2 जिला कमेटी शिमला की बैठक जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा की अध्यक्षता में शिमला में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मिनी व अन्य आंगनवाड़ी कर्मियों तथा रेहड़ी फड़ी तथा बाजारी के मुद्दों पर जल्द ही C2 का प्रतिनिधिमंडल दोनों विभागों के मंत्री एवं श्रम मंत्री से मिलेगा। केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ C2 जिला कमेटी शिमला द्वारा 26 नवंबर को जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। सीधे बागवानों से सेब खरीदने वाले 4 लदानियों पर 90,000 का जुर्माना।
एपीएमसी शिमला किन्नौर ने बागवानों से सीधे सेब खरीदने वाले चार लदानियों आढ़तियों पर करीब 90,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही इन चारों आढ़तियों लदानियों कारोबारियों को एपीएमसी प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि वो हिमाचल में सेब कारोबार करने के लिए लाइसेंस बनाए। ऐसा नहीं करने पर उन्हें राज्य में कारोबार नहीं करने दिया जाएगा तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कुछ बागवान भी इन कारोबारियों का सहयोग करते पाए गए हैं। उनसे भी ऐसा नहीं करने तथा लाइसेंसधारी कारोबारियों का सहयोग करने को कहा गया है। राज्य में सेब उत्पादक क्षेत्रों में कई आढ़ती व लदानी बाहरी राज्यों से आकर बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहे हैं। इनमें कई कारोबारी हिमाचल के भी हैं। इससे सरकार व एपीएमसी को लाइसेंस फीस के रूप में मिलने वाली आय नहीं हो रही है। घर में घुसाया 12 फुट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। नादौन की बरदियार पंचायत में शनिवार रात को एक 12 फुट लंबा अजगर घर में घुसने से गांव में हड़कंप मच गया। किसान नेता बलजीत संधू ने बताया कि अजगर 2 से 3 दिनों से गांव में घूम रहा था। शनिवार रात को अचानक ही अजगर रमेश चंद के घर में घुस गया। जब घर के सभी लोग खाना खाने के बाद गए तो कमरे के अंदर अजगर देखकर सबके होश उठ गए। उनके शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए। गांव के ही संजय कुमार ने इसकी सूचना वन्य प्राणी विभाग को दी। इसके बाद वन्य प्राणी तथा वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया। कर्मचारियों ने अजगर को घर से पकड़कर इसे जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री सुख बोले, किसानों को उन्नत किस्मों के बीज देने पर खर्च होंगे लगभग 23,60,00,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने पर सरकार लगभग 23,60,00,000 रुपए खर्च करेगी। अनाज, दाल, तिलहन, चारा, आलू, अदरक और हल्दी के अलावा अन्य बीजों पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के आदेशों पर कृषि विभाग 17,000 क्विंटल बीज तैयार करवा रहा है। किसानों को खाद की किल्लत पेश न आए 1,70,00,000 रुपए खर्च होंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसानों को अनाज, दालों, तिलहन और चारा फसलों के बीजों पर 50% अनुदान और आलू, अदरक व हल्दी के बीजों पर 25% अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में अनुदान योजना के तहत 60,000 किसानों को बीज आवंटित किया गया था। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग विभिन्न फसलों के आधार पर बीज का उत्पादन कर रहा है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए नई पद्धतियों के वैज्ञानिक परीक्षण करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जा रहा है। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।